रतलाम जिले के गांव लपटिया में एक हादसे में 75 वर्षीय बुजुर्ग रामलाल सोलंकी की मौत हो गई। मृतक अपने नाती के साथ शादी के कार्यक्रम से बाहर जा रहा था, तभी गांव संदला और लपटिया के बीच एक ट्रैक्टर चालक से गाड़ी की भिड़ंत हो गई, जिसमें 75 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि ट्रैक्टर चलाने वाला नाबालिग है और इसी कारण यह हादसा हुआ। परिजनों की मांग है कि उन्हें उचित न्याय मिले। हादसे के तुरंत बाद बिलपांग पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 108 से घायल व्यक्ति को रतलाम रेफर किया। सर, क्या है पूरा मामला? है पूरे मामले की जानकारी मेरे को नहीं है। मेरे को रास्ते में सूचना मिली कि अपने लपटिया घाटी के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं वहां से रास्ते से वापस पलट के आया। मौके पे देखा तो डेड बॉडी पड़ी थी। आने पे मौके पे देहाती नालसी ली, डेड बॉडी को अस्पताल के लिए रवाना किया। परिजनों का आरोप है कि जो बालक जो चला रहा था वो नाबालिग था, उस पर आपका क्या कहना है? अब परिजनों का जो आरोप है इसकी सत्यता की जांच करेंगे मौके पे। अब हमने तो देखा नहीं है, जो भी होगा सामने आएगा। अभी तो हाल फिलहाल में वो ले ली है देहाती नालसी की। अब जो भी रहेगा, ये आई विटनेस जो भी रहेगा गवाह, उसमें उसकी पुष्टि हो जाएगी। ट्रैक्टर चला रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरलाल सोलंकी। क्या है मामला पूरा? वो जा रहे थे इधर से, उधर से बच्चा ट्रैक्टर लेके आ रहा था। बच्चा चला क्या रहा था? बच्चा चला रहा था 10-12 साल का। कहाँ का है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर संदला का है। क्या नाम है आपका? महेश सोलंकी। क्या कौन थे ये जब ये? मेरा दादाजी। क्या मामला? मामला ये जा रहे थे, भाणेज की शादी थी, रतलाम जा रहे थे, तो बच्चा ट्रैक्टर चला रहा था। चला रहा था बच्चा, उधर से आ गया था। जी सर, मेरे पापा ही हैं। वो हमारा पिताजी ही है, मेरे पापा ही है ना।